सजग नागरिक टाइम्सच्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। नमस्कार, मैं हाजी अराफा शेख, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहने के लिए खातिर। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की है, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारे तरफ देखते हैं कि हाजी अराफा शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी जिंदगी हिंदुओं के साथ में रही, मेरा जीवन 25 साल, मेरे कई हजारों दोस्त हिंदुत्व है, कई हजारों दोस्त मेरे हिंदू है। मैं उनके वहां दिवाली में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में आते, मैं उनके सत्यनारायण की पूजा में जाता हूं, वो मेरे वहां बकरीद में आते। कभी हमने देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं, और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ, ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदुत्व है। मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे। आइए, कौन से वक्त में आएंगे, मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, सोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे। आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे, आइए हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। कभी कोई मुसलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा कि राम जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, कब उनकी शादी हुई थी, ऐसा कभी किसी मुसलमान मौलाना ने कहा, क्योंकि हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया किसी के भगवान का अपमान करो, किसी धर्म का अपमान करो। ये कौन सा हिंदुत्व की बातें कर रहे, किस तरीके की बातें कर रहे। जब वो बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनसे बड़ा माइक था, उनके पैजामे से बड़ी उनकी जबान चल रही थी, छोटे बुल्ली के बच्चे। आपको समझना पड़ेगा, बटले डेनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो, गोबर भी बहुत बड़ी बात है, आप गू तो हो, आप गोबर नहीं गू हो। जिस तरीके की भाषा आप कर रहे हो, अगर गोबर भी बने होते तो अच्छा लगता कि कहीं तो कहीं आंगन में लिपने के काम में आते, लेकिन आप गू हो। आपकी बातें, आपकी जबान, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे तो आप गू जैसी बातें कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको इसके बाद बटला डेनी और छोटी बुल्ली का बच्चा कहके पुकारेगा। इस तरीके की भाषा ना करो। आप क्यों कर रहे हो, क्या आपको मंत्री बनना है अगले मंत्रिमंडल में, आपके बाप को दिल्ली में मंत्री बनना है इसलिए कर रहे हो। कितनी आइले कितनी गहले, सबको लगता हमीश पहले, ये बीजेपी है साहब, समझना पड़ेगा। आपके भूखने से ये सारी चीजें नहीं होगी। हिंदुस्तान का हिंदू भी समझदार है, मुसलमान जिस तरीके से समझदार है वैसा हिंदू भी समझदार है। मेरे हजारों लाखों दोस्त हिंदू है, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी घर पे जाते कि मैं किसी हिंदू के घर जा रहा हूं। मैं कभी गणपति में गया तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूं, उनके वहां गणपति में क्यों जा रहा हूं। क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है कि तुम दूसरों के धर्मों की इज्जत करो, यही हमारा पहला सबक है, तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, यही हमारा मजहब सिखाता है। और तुम कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अब जिन साधु ने कहा, अब उन्होंने शादी नहीं की तो उसमें हमारा कसूर है,
अब उनको नहीं पता कौन कितने साल की उम्र में शादी कर रहा है, किसकी कब शादी हो रही है। लेकिन हमारे पैगंबर के बारे में अगर इस तरीके की बात करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र जी, आपको पूरा हिंदुस्तान के लोग हर कोई पसंद करता है, आप महाराष्ट्र की शान हो, हमारा आदर हो, रिस्पेक्ट हो, आपको लोग चाहते। आप जब कोरोना में बीमार हुए थे कई मुसलमानों ने आपके लिए दुआ की, दरगाहों पे चादर पेश की, हाजी अली पे दुआएं की गई कि देवेंद्र जी जल्दी ठीक हो जाए। और ऐसे लोग अपनी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुप बिठाइए, इसके आगे समझाइए। हम मस्जिदों में जा नहीं सक रहे कि लोग हमारे तरफ गलत तरीके से देख रहे कि देखो ये बीजेपी वाला आया और इसके पीछे बीजेपी वाला कोई कहता है कि मस्जिदों में मारेंगे। हम मुसलमानों ने, पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने क्या करना चाहिए, ये क्या साबित करना चाह रहे। मैं नीतीश राणे से कहूंगा कि इस तरीके की भाषा ना करो, ऐसा ना हो कि और भी लोग इस तरीके की भाषा करना शुरू करें। आप जितने हैं उतने ही रहो, आप जब बात करते हो तो ऐसा लगता कोई तीसरी चौथी का बच्चा बात कर रहा है। माइक से तो छोटे दिखते हो आप, आपसे बड़ा तो माइक दिखता है, इसलिए मैं कहता हूं आप छोटी बिल्ली के बच्चे हो और ज्यादा ना बोले अच्छी बात नहीं है। ये मैं जितनी सारी बातें रखा हूं एक मुंबई के एक तहजीब वाले अंदाज में रखा हूं। मैं जिस तरीके से हूं, जिस तरीके से मेरी भूमिका है, जिस तरीके से मेरे आंदोलन है, जिस तरीके से मेरा पॉलिटिकल करियर है, अगर मैं उस भाषा में आ गया तो आप कभी भी कोई स्टेज पे बोल नहीं पाओगे। मैं 30 लाख खाटिक समाज का अध्यक्ष हूं, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष हूं, हजारों पीर मेरे साथ में, लाखों मुसलमानों की दुआ है। अगर इस तरीके की भाषा करते रहेंगे तो बहुत सारी बातें हमको भी करना पड़ेगी। आपकी शुरुआत कहां से हुई, आपके पिताजी की शुरुआत कहां से हुई, ये सब बोलने मत लगाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके बाद बस, अब इसके बाद नहीं बोलना एक भी वर्ड। हमारे पैगंबर की गुस्ताखी हम नहीं सहेंगे। मैं इस पार्टी में रहकर काम कर रहा हूं, हजारों लोगों को जोड़ रहा हूं, हजारों लोग मेरे साथ मुसलमान जुड़े हुए, और उनका जवाब मेरे पास अगर इस तरीके का होगा तो ये बात ठीक नहीं होगी। इसके बाद पैगंबर की शान में जरा भी गुस्ताखी नहीं चलेगी, ये मैं आपको सामने से बताने आया हूं। आप कहते हैं मैं गब्बर हूं, गब्बर हो आप, गब्बर नहीं गोबर हो, और गोबर ने गोबर जैसा रहना चाहिए। आप गू तो हो पर गाय का गू बन गया भाई, कुत्ते का गू क्यों बन रहे हो और बदबू फैला रहे हो, ये सब ना करो। मैं एक पार्टी का एक पदाधिकारी नाते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि और जबान निकले और कोई बातें तहजीब के बाहर चले जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके बाद बस हो गया। आपने हमारे कौम के खिलाफ बहुत दिनों से बहुत सारी बातें की, हमने चुप रहे, पर पैगंबर की गुस्ताखी हम नहीं सहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, माननीय देवेंद्र जी से कहूंगा और मुंबई के अध्यक्ष मेरे दोस्त आशीष शेलार जी से कहूंगा कि आप इसे समझाइए, लगाम लगाइए, नहीं तो बहुत सारी चीजें लगाम लगाने हमें भी आती है। इतनी बात आपके सामने रखूंगा, बाकी की बात ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।